सही सही बात बोलो ना, नहीं होते नहीं होते, दिखावे वाली वाली बात नहीं करते, हाँ नहीं होते हैं, अरे नहीं होते हैं, सच्चाई है। देखो कड़वी मेरी 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 बात है, बात आदत है कड़वी बात करने की, सही बात करने की। किसी की लड़की होता, अरे मेरे तो लड़का होता तो अच्छा होता, अच्छा होता। ऊपर के मन से दिखावे के लिए कोई कुछ भी बोल दे, किसी के भी लड़की पहले डिलीवरी में लड़की पैदा होती है तो लड़का यार मेरे परिवार में लड़का होता तो मानसिकता कैसे बदलने की, लड़का लड़का क्यों चाहिए, लड़का हमारा नाम बढ़ाएगा, लड़का हमें कमा कर देगा, लड़की तो पराया था जी जी, बेटी के नाम पर खाते बैंक में खाता खुलवा के, पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा के, और थोड़ा सा पैसा हम लोगों ने जैसे 21,000 रुपये हम लोगों ने इकट्ठा किया, थोड़ा उसके परिवार से लिया, परिवार नहीं दे रहा तो मंथली महीने के साल के उस बेटी के नाम पर उसके खाते में कुछ डलवा दे। तो जैसे जैसे लड़की बड़ी होगी, जैसे वैसे पेड़ पौधे भी बड़े होंगे, और वैसे वैसे लड़की के खाते में भी पैसे बढ़ेंगे। लड़की जब 18 साल की होगी उसके लिए कॉलेज जाने के लिए या आगे धरती माता को आत्मनिर्भर करने के एक अभियान चला रखा पिछले 17 साल से। धीरे धीरे देखो धरती आत्मनिर्भर हुई ना, पेड़ लगे तो धरती में देखो उपजाऊ भी बन रही है, पक्षी भी आ रहे हैं, वन्य जीव भी आ रहे हैं, खाना भी मिल रही है, फल भी मिल रहे हैं, धरती आत्मनिर्भर हो रही है ना, तो धरती माता आत्मनिर्भर हो रही है, बेटियाँ आत्मनिर्भर हो रही हैं, है ना। तो फिर बोझ क्यों, कोई बोझ नहीं हुआ ना। तो ये काम हम पिछले 15-17 साल से कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आ रहा है। हमारी बेटियाँ यहाँ गांव में आज दसवीं तक स्कूल था, फिर पढ़ने नहीं जाती थी, आज स्कूटी लेकर कॉलेज जाती हैं। तो लगता है अरे यार वो सड़कें अच्छी बन गई हमारी, तो हमारी बेटियाँ देखो दो दो लड़के को साथ में बिठा के और कॉलेज जा रही है, उनका हौसला बढ़ रहा है। जैसे अभी ये बेटी अच्छा बोली, वो बेटियाँ नहीं बोली, अरे मेरे को झिझक आ रही, क्यों झिझक आ रही, क्यों डर रहे हम सर, बस किस बात का डर, निकल रहे हैं तो ये झिझक मिटाने की आवश्यकता, डर को निकालने की आवश्यकता। हम जा रहे हैं, इसलिए इतना हौसला होना चाहिए हमारे बीच में कि हम लोग कहीं जा रहे हैं ना, सारा रात में भी जा रहे हैं, तो तुम्हारे मन में इतना बहुत तुम्हारा हौसला इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई तुम्हारी तरफ घूर के देख नहीं सके, तुम घूर के देखो तो भाग जाए। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, हौसले से। और जिसे किसे घूर के देखा और तुम डर गए तो वो हावी हो जाएगा। ये डर और निडर ये कहाँ है, यहाँ अपने आँख के अंदर। क्योंकि कोई भी किसी ताकत की हिम्मत नहीं, कोई भी जानवर की या किसी की हिम्मत नहीं वो तुम्हारी तरफ, तुम अगर मजबूत हो तो तुम्हारी तरफ नहीं। तो आत्मनिर्भर करने की तरफ हम पिछले लंबे समय से, आपका फ़ोन आया था मेरे, तो मैं समझ नहीं पाया, बहुत सारे लोगों को फ़ोन आता है और मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के पिछड़े वर्ग की पिछड़ी परिवार की बेटियाँ को ये आगे लाकर आप लोगों को हौसला बढ़ाने का काम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहो विप्लांत्री, और विप्लांत्री के अलावा भी आपको और भी मैं आपसे बात करूँगा। देश में ऐसे बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पूना में अहमदनगर में एक इसी तरह की एक संस्था है जो पिछड़ी बच्चियों पर या HIV से पीड़ित लोगों पर बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। उसको भी एक बार आप लोग अपने दोस्तों में वहाँ ले जाके ये देखेंगे ना, तो क्या होगा कि इनका हौसला बढ़ेगा, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, कैपेसिटी बढ़नी चाहिए सोचने की, फिर ये अपने आप कर लेंगे, ठीक है ना। और अभी आपका आपने मुझे कहा कि हम यहाँ पर कोई रिसीव करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों से कोई रिसीव नहीं करते। एक थोड़ा सा निवेदन ये था कि ये उदयपुर के स्मार्ट सिटी में कैसे चार चांद लगा सके, क्योंकि धीरे धीरे शहरों का करण ज़्यादा हो रहा है ना, और शहरों में बढ़ता यातायात बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है, तो बुज़ुर्ग कहाँ चलेंगे और बच्चे कहाँ चलेंगे। तो ये भविष्य जो है ये बच्चे प्लान करते हैं कि हमारे लिए क्या व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, सरकार के लेवल पर क्या व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, राजनीति और राजनीति में बच्चों की भागीदारी कैसे हो, क्योंकि प्रकृति के प्रति ये तो बहुत दूर दूर है। वो ठीक है शहरों में एक डिवाइडर पे पेड़ लगा दिए, ये आने वाला भविष्य है ये। हाँ हाँ हाँ, तो ये तमाम कच्ची बस्तियों को 45 बस्तियाँ हैं उसमें से चुनिंदा लीडर हैं, तो ये आज सीखने के लिए आए हैं कि हम प्रकृति को कैसे बचाएं और प्रकृति क्या है। पहली बात तो हम ये समझे प्रकृति क्या है, मैं बताऊं आपको। जी जी जरूर। प्रकृति ये लड़कियाँ हैं, ये लड़कियाँ प्रकृति है। अगर प्रकृति को देखना है तो इनको देख लो, ये प्रकृति का निर्माण करती है, देश का निर्माण करती है, हम सब। और ये पीढ़ियों से हम बेटियों को पूछते आए किसी न किसी रूप में,
आप तो करो मस्जिद से काम, और आप लोग मेरे संपर्क में रहो, मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क में रहो और व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। ऐसे काम करने वाले बहुत सारी संस्थाएं हैं पूरे देश में, तो मैं आपको उनसे कनेक्ट करूँगा, है ना, उनसे जोड़ूंगा कि देखो हमारे यहाँ भी इस तरह के ग्रुप है जो इस तरह के काम कर रहे हैं। सरदार साहब, ये जिस परिवार से हैं इनके करीब माताएं जो हैं वो झाड़ू पोछे का काम करती है, और ऐसे शहर में हम देखें तो उदयपुर में देखें तो करीब करीब 25,000 से ज़्यादा महिलाएं इस काम को करती है, और ये जहाँ रहती है वहाँ कोई सुख सुविधाएँ नहीं होती है, गंदी बस्तियाँ होती है इनके लिए, वहाँ पट्टे की जरूरत होती है इनके, सबसे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कोई बेहतर जो रिसोर्स होने चाहिए वो भी नहीं है, इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इनके बेहतर भविष्य के लिए सरकार की कोई योजना निर्माण नहीं है। तो अभी लंबी लड़ाई चल रही है हमारी सरकार के साथ कि इन महिलाओं को भागीदारी बनाई जाए, क्योंकि देश में अभी तक आंकड़ों के अनुसार 25 लाख महिलाएं भारत में काम करती है, लेकिन इन महिलाओं के बारे में कभी सोचा नहीं गया। इनके पति जो होते हैं इन महिलाओं के, वो शराबी और नशेड़ी होते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, और मारपीट करना स्वाभाविक है इनके घर में, तो ये एक बड़ी परेशानी है। लेकिन ये फूल जो है, अगर ये इस समस्या, मैं इसीलिए मैंने हाँ। इनके नाम के पीछे इनको पूछा कि ये कौन से वर्ग से आती है, इसलिए पूछा, तो वो पता लग गया। सही बात है, जब सही सर ये सब छोटे थे तब से 11 साल से, पर इनके मन में एक चीज मत भरो आप, देखो कि हम पिछड़े हैं, हमारे पिताजी ये मत भरो, हम कीचड़ में से कमल के रूप में बाहर निकल रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि यही परेशान है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि इनके माता पिताजी माँ को माँ के साथ मारपीट करते हैं, या इनकी माँ ही झाड़ू पोछे काम करती है, हम लोग भी करते हैं, हमारे पास बहुत ज़मीन है, पर हमने भी किसी सेठों के झाड़ू पोछे का काम किया है, हमने भी गोबर उठाने का काम किया है, हमने भी किसी सेठ के नौकरी की है ना, किसी ने हमें हमारे साथ भी मारपीट की होगी, है ना, तो ऐसा नहीं है, फिर भी बाहर निकले ना, तो ये आप लोग ये मत समझो कि मैं बावरिया समाज से हूँ या मैं गमेती हूँ, या ये आप लोग बहुत अपने आप को बहुत मजबूत करना है, समाज से कोई लेना देना नहीं है, ये समाज से कोई लेना देना नहीं है, समाज का निर्माण कौन करता है, है ना, तो फिर आपको अच्छे समाज का निर्माण करना है, अच्छी सोच लेकर चलना है, और आपको लगता है कि कहीं जाति हो रही है तो उसमें से रास्ता निकाल कर उसको रोकने का काम। मैं तो पिछड़ी जाति की हूँ इसलिए मैं ऐसा नहीं हूँ, पिछड़ी जाति के भी IAS बनते हैं, RS बनते हैं, IPS बनते हैं, बड़े बिजनेसमैन बने, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता बने, और जो लोग पिछड़े होते हैं ना पीछे, वही दौड़ में आगे निकलते हैं, वही दौड़ लगाते हैं, जो पिछड़े पीछे रहते हैं वो दौड़ लगाते हैं, नहीं बस में आपको दौड़ लगाना है। ये मैं ये नहीं सोचता कि मैं कौन सी जाति की हूँ, मैं कौन सा हूँ, मैं पिछड़ी बस्ती में रहती हूँ, नहीं, देखो बहुत पैसे वाले बच्चों को, टाटा बिरला के बच्चों को नाम जानता है क्या, कोई नहीं जानता, पर आप में से अगर कोई नवाचार करे तो आपको सब जानेंगे, और इस परिवार की एक बेटी ने निकल कर ये काम किया, तो आदर्श बनना आपने, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक व्यक्ति श्याम सुंदर बन जाएगा जिस दिन देश का प्रगति और भला हो जाएगा। पिछले 2 साल पहले 12वीं की परीक्षा दी, मैंने 12वीं की परीक्षा दी, देखो हमारे साथ भी क्या हुआ, हमारे साथ क्या, छोटा सा हमारी माँ मर गई, पढ़ नहीं पाए, तो मैंने 10वीं की परीक्षा दी 4-5 साल पहले, फिर 12वीं की दी, अभी कॉलेज कर रहा हूँ, देखो अभी सरपंच साहब भी 12वीं 11वीं की परीक्षा दे रहे हैं, 30 तारीख बोलो, देखो कितना अच्छा हम सीख सकते हैं ना, और मैं इतना गुंगट लगती थी यहाँ सर सरपंच से, जब कभी गांव में बोलती नहीं थी, पर अब बने सरपंच तो देखो बोलने लगी कि नहीं, आई कि नहीं, गुंगट भी खोला, सब काम कर रहे हैं सर के साथ साथ में। इसलिए बच्चों मेरा तो आप लोगों से यही, देखो यही सीख है कि अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। मैं जब सरपंच बना था तो मैंने सबसे पहले एक नारा दिया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना मजबूत करो कि पॉलिसी बनाने वाले लोग, नीतियां बनाने वाले लोग, समाज के लिए प्लानिंग करने वाले लोग कि आपसे पूछे कि अरे बेटा तूने कैसे किया, अपनी कॉलोनी में अपना घर का कचरा घर के बाहर मत डालो, उसका निस्तारण करो, टाइम से नाखून कटे हुए हो, स्कूल में अव्वल आए, पास हो, झूठ नहीं बोले, झूठ कभी बोलना ही नहीं, जो होगा हो जाएगा, एक झूठ, कई लोगों ने कहा कि एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, एक झूठ बोल गए ना
तो उसको छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते, और झूठ बोलते तो पकड़ में आता है। लोगों के नज़र में ये होना चाहिए, नहीं नहीं ये बच्ची या ये बेटा झूठ नहीं बोलता, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलेंगे। घर में भी आप कह रहे हो, मान लो कि ऐसी घटनाएं भी होती है कि पिता आदमी शराब पी कर आता है, माँ को मारता है, उसको पता है कि मेरी बेटी लाडली है, बेटा लाडला है, बच्चों से तो प्यार करता है, दारू पीता है, कुछ भी करता है, उसको पता है कि मेरा बेटा, मान लो कभी मैंने मेरी पत्नी को मारपीट की, जाती की, और मेरी बेटी या बेटा को पता लग गया, वो देख रहा है, ये झूठ नहीं बोलेगा, तभी मैं इसकी वजह से दंडित हो सकता हूँ, तो वो धीरे धीरे अपने आप रुक जाएगा। मेरे पापा है इसलिए मैं तो झूठ बोलूँगी, ये नहीं करना है। मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा परिवार है, मेरा कोई भी गलत बात गलत है, कुछ भी हो जाए गलत को गलत कहेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, और आप सबका, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। लाली मैडम थोड़ा धन्यवाद कर रहे हैं सर का, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इतने प्रकृति के स्वर्ग में आने की इजाज़त दी, हमें विजिट करने के परमिशन दी, और हम यहाँ आए, बेटियों के बारे में इतना सम्मान दिया जाता है इस गांव में, हमारी संस्था की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आकर हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे बच्चों को, हमें भी बहुत सारी, चलो बस में बैठो सब, धन्यवाद। आपको जल्दी थी पर मेरी भी इच्छा थी आप सबसे मिलने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बच्चों का, यहाँ के अतिथियों का, सरपंच साहब का। लगता मुझे तो लगता कि मेरी एक बेटी चली गई, उसकी जगह मुझे कितनी बेटियाँ मिल गई, देख के खुशी होती है कि बेटियों के लिए कुछ कर पाए, कुछ बने, तो अच्छा ही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। और देखिए, एक बेटी की डेथ हो गई आपके जैसे 17 साल की, उसके नाम का पेड़ लगा रखा है, देखो कैसे लगा, यो बस लो। बहुत बढ़िया। मेरी बेटी थी किरण। तो पिपलान 3 में सभी बच्चे आए हैं, और सिस्टर कीर्ति जी सरपंच साहब का आशीर्वाद दे रहे हैं, रेट में क्वालिटी चीज दी जो घर ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, और श्याम सुंदर जी से मुलाकात हुई, सरपंच साहब से मुलाकात हुई, और काफ़ी, कौन सी संस्था थी आज, राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी संगठन, समाज की कुछ छोटी छोटी बच्चियों को, पिछड़ा नहीं कह सकते हैं मेरे मुंह से, मैं बच्चियों को पिछड़ी कहूँ नहीं, कुछ ऊर्जावान बच्चियों को जो गंदी बस्तियों में और इस तरह की कॉलोनी में रहती है, उन बच्चियों को लेकर आए, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, और हम सबको मिलकर इन बच्चियों को, जो हमारे देश का भविष्य है, आगे जाकर जैसे बच्चों के मन में भावना बनेगी, वातावरण निर्माण होगा, उसी तरह से हमारा देश का निर्माण भी होगा। तो आप लोग इस काम को बहुत मन से कर रहे हैं, पिपलांत्री आप आए हैं, हम लोगों को इन बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और ये बच्चियाँ हमारे गांव में इनके कदम पड़े हैं, तो मैं मानता हूँ कि हम लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। पर ऐसे बच्चों को आगे लाकर, उनके मन से डर निकालकर, उनके मन में ये लगे कि ये नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी पिछड़ी जाति से हूँ, मैं किसी गरीब परिवार से हूँ, नहीं, उसको लगना चाहिए कि मैं भारतवर्ष जैसे देश में पैदा हुई हूँ, और मैं दूसरों के लिए आदर्श बनूंगी, इस तरह की प्रेरणा देकर हम लोगों ने इनको यहाँ से रवाना किया है, और आशा करता हूँ कि ये बच्चियाँ लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।